Hello everyone, good morning to all of you. Good morning. Good morning. How are you all? I am fine and you? I'm also good. It's alright. तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूज ऑफ फंड ऑफ यानी शौकीन हूँ। यदि आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं पटना जाने का शौकीन हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ, मैं आपको पढ़ाने का शौकीन हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लाइक दीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक देने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने बताने चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज ऑफ फंड ऑफ। ठीक है, यूज ऑफ फंड ऑफ के बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आपको लगाना है, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद फंड ऑफ, उसके बाद वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज लगाना है और आर लगाना है और एम लगाना है। ठीक है, आपको तो मालूम है किसके साथ एम लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे, किसके साथ इज लगाएंगे, ये सब तो मालूम होगा ना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, फंड ऑफ लगाना है और हर किसी में भरपूर लगेगा। ठीक है, यानी मेन वर्ब लिखने के बाद से उसमें आई एन जी लगा देना है, जैसे प्ले हो गया उसके बाद आई एन जी प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन है, तो क्या होगा, हम लोग क्या होगा, उसके बाद आर, उसके बाद फंड ऑफ, फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब मान लीजिए आपको ऐसे बोलना है, सीता बाजार जाने का शौकीन है, कैसे बनेगा? सीता इज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। मैं अंग्रेजी सीखने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैं आपसे बात करने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं विदेशी लोग से बात करने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू फॉरेन पीपल। ठीक है, यस सर, अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब यदि आपको निगेटिव बना रहे नहीं वाला, तो देखिए उसमें क्या करना है, बस इज आने के बाद नॉट लगाना, नॉट लगाना। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस फंड ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, बस आपको यही इसी तरह बस इज आने के बाद नॉट लगा देना। अब यहाँ पे देखिए, आप मिठाई खाने का शौकीन नहीं है, बोलिए आप लोग, यू आर You are not fond of eating sweet. Eating sweet. Sweet. Eating sweet. Sweet. इसी तरह आपको, मैं आप लोग से बात करने का शौकीन नहीं हूँ, क्या क्या होगा, मैं आप लोग से बात करने का शौकीन नहीं हूँ, I am not fond of talking to you. I am not fond of talking to you. देखिए, मैं आपसे बात करने का शौकीन नहीं हूँ, तो उसके बाद आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, यानी आपको सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगा देना है, उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, उसके बाद फॉन्ड ऑफ हर किसी में लगेगा, उसके बाद टॉकिंग टू यू आपका हो गया, टॉकिंग तो टॉकिंग टू यू हो गया ना। इसी तरह आपको यदि इंट्रोगेटिव बनाना है क्या वाला, तो उसे कैसे बनाया गया और उसमें यस नो क्वेश्चन कैसे बनाया गया, तो चलिए मैं इसको बताते चलता हूँ, लेकिन आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब आप लोग लिख लिए हैं ना, अब इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव इस क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है ना। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, तो कैसे बनाएंगे, उसमें क्या होता है, पहले क्या रहता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछता है। और आप देखिए, क्या मैं नाचने का शौकीन हूँ, क्या तुम लोग गाने सुनने का शौकीन हो, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, किसी से हमको क्वेश्चन करना है। क्या तुम पटना जाने का शौकीन हो, क्या तुम मोबाइल चलाने का शौकीन हो, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सेम उसको पहले ई जा रहे हैं, पहले लगा देना है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फंड ऑफ, और उसके बाद वर्ब फॉर, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए,
क्या मैं तो मैं के साथ क्या लगता है इज लगता है आर के एम एम यहाँ पे क्या लिखेंगे एम ठीक है क्या लिखेंगे एम उसके बाद आई आई फॉन्ड ऑफ डांसिंग डांसिंग फॉन्ड ऑफ डांसिंग डांसिंग अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है क्वेश्चन मार्क हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है ठीक है क्या तुम लोग गाने सुनने का शौकीन हो आर 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 यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग आप लिसनिंग सॉन्ग भी लगा सकते हैं लिसनिंग म्यूजिक भी लगा सकते हैं आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक या आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग अब यहाँ देखिए यस नो क्वेश्चन बनाना है इसी तरह यदि आपको लिखना है क्या मोहन बाजार जाने का शौकीन है तो इज मोहन फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट क्या मोहन अंग्रेजी सीखने का शौकीन है इज मोहन फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश उसी तरह अब आपको देखिए अब यस नो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है और इंग्लिश में बनाना है अब हिंदी नहीं बोलना है जैसे मान लीजिए मैं तुमसे आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम क्रिकेट खेलने का शौकीन हो तो आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट फिर वो इंग्लिश में आंसर देगा यस आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट देखिए आपको क्वेश्चन क्या करना है आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश ठीक है आपको क्वेश्चन क्या करना है आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश क्या तुम अंग्रेजी पढ़ने के शौकीन हो आंसर क्या देगा यस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश यस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश रीडिंग इंग्लिश फिर यदि आपको पूछना है आर यू फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल यस आई एम फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पटना देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए मैं अभी रजनीश और अनिश को बुलाऊंगा ठीक है और वे लोग पांच पांच क्वेश्चन पूछेंगे और इसी पर यस नो क्वेश्चन पर ठीक है तो आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है रजनीश और अनिश आओ दोनों आओ पूछो तो यस नो क्वेश्चन पूछो तो पांच पांच आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश यस आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और पास जाओ हाँ Are you fond of listening song? Yes, I am fond of listening song. Are you fond of drinking milk? Yes, I am fond of drinking milk. Are you fond of watching TV? Yes, I am fond of watching TV. Are you fond of going to market? Yes, I am fond of going to market. Are you fond of playing cricket? Yes, I am fond of playing cricket. Are you fond of speaking English? Yes, I am fond of speaking English. Are you fond of go to market? Going to market. Yes, I am fond of going to market. Are you fond of going to school? Yes, I am fond of going to school. Are you fond of running in the morning? Running in the morning. Yes, I am fond of running in the morning. Okay, चलिए सही है आप लोग जाइए बैठिए तो चलिए देखिए कैसे दोनों आदमी अपने में प्रैक्टिस की है यस नो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना यस आर यू फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल यस आई एम फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल आर यू फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश यस आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश यस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश ऐसे ही आप लोग इसको बना लीजिए और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश सीखने के लिए आ जाएगा ठीक है और आप लोग बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं तो अभी मैं अमित से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पटना Yes, I am fond of going to Patna. Are you fond of writing a letter? Yes, I am fond of writing a letter. Okay, sit down. Moshmi, are you fond of eating mango? Yes, I am fond of eating mango. Are you fond of operating mobile? Yes, I am fond of operating mobile. So, okay, Rajnish, tum batao. Are you fond of playing hockey? Yes, I am fond of playing hockey. Are you fond of sitting in the class?
Yes, I am fond of sitting of class. Sitting in the class. Sitting in the class. Okay. Are you fond of speaking English in the class? Yes, I am fond of speaking in the class. Speaking English in the class. Okay. कोई बात नहीं. तो इसी तरह आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है. तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों के पास कैसा कैसा क्वेश्चन है. तो इसी के साथ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.